नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, ITEP की रेगुलर एडमिशंस की जानकारी एंड उसके अलावा भी जितनी भी इंफॉर्मेशंस ट्रेंडिंग होती हैं, सभी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और उसी सीरीज़ में आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ITP एडमिशन 2024-25 से रिलेटेड आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। बट उससे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे ऑल पे भी टिक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है एडमिशन्स ओपन किए जाएं, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ITP BEd के, तो उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। 9 अगस्त को आपका NCET का रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने एडमिशन्स अनाउंस कर दिए। अब उसी में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, अलग अलग स्टेट्स से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना अच्छा एम्बियंस, क्वालिटी, मैनेजमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा, उतना और कहीं नहीं मिल पाएगा। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप जब इस कोर्स के बाद निकलोगे तो एक अच्छा पैकेज और एक अच्छी पहचान आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो ITP BEd इंफॉर्मेशन दो, ये आपके देखिए 29 तारीख में ही, यानी कि कल की डेट में ही अपलोड हुआ है। पहले ये देख लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो ये रहा आपका 2024-25 सेशन के लिए, इसमें नीचे जाएंगे। इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको दी है, एक बार इसको रीड कर लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। हम थोड़ा नीचे आएंगे। ये एलिजिबिलिटी है, NCET का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब अपीयर किया होना चाहिए, फिर बाद में तो कट ऑफ देखने वाली बात है। फिर ये जनरल BA BEd सेकेंडरी और BA BEd मिडिल स्टेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। एंड डिफरेंट कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स, बट कौन से कॉलेजेस कौन से सब्जेक्ट्स और सीट्स कितनी ऑफर कर रहे हैं वो अपने आप में देखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी इन्होंने मेंशन किया है, 250 रुपीज़ जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए रहेगा, और 100 रुपये रहेगा SC ST और PWD के लिए, ठीक है। ये है ₹250, ठीक है, 250 रुपये, और ये है ₹100, ठीक है, ओके। नॉन रिफंडेबल है फीस, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया, वो तो आजकल सभी यूनिवर्सिटीज़ ही कर रही हैं, खैर, ठीक है, ओके। नीचे आएंगे, फीस कैसे पे करनी है वो सब भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा, ये मेन है, ठीक है। BA BEd सेकेंडरी स्टेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE, BA BEd सेकेंडरी स्टेज माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वुमेन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जीजस एंड मैरी कॉलेज, ये चारों BA BEd सेकेंडरी लेवल ऑफर कर रहे हैं। और ITP मिडिल, यानी कि BA BEd मिडिल स्टेज, सिर्फ माता सुंदरी कॉलेज जो है वो ऑफर कर रहा है। तो आपको सोच समझ के करना है, और क्योंकि आपके सब्जेक्ट चॉइसेस भी आगे इसी पे डिपेंड करेंगे, कौन सी क्लास के टीचर्स आप बेसिकली बनना चाहते हैं। अगर आपको सेकेंडरी और मिडिल लेवल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब सीट एलोकेशंस का भी इन्होंने प्रॉपर प्रोसेस बताया है। मिनिमल एलिजिबिलिटी स्कोर स्कोर ऑब्टेंड इन दी NCET 2024, ठीक है। तो सारा प्रोसेस जो जैसा पहले होता आया है वैसे ही है, कुछ भी है सच में इसमें नया नहीं देख पा रही हूँ। सिंपल प्रोसेस इन्होंने रखा है, ठीक है। तो स्पॉट एडमिशंस भी हैं, अगर लास्ट में सीट्स बचती हैं तो, जैसा लास्ट ईयर भी ये चीज़ हुई थी। लास्ट टाइम बहुत सारी काउंसलिंग हुई थी, जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी काउंसलिंग्स होती नहीं है, ठीक है। एंड बस यही है इसमें। अब
इसमें आके हम एक बार ध्यान है, हमें ये देख लेते हैं, ये रहा, ये भी 27 तारीख में आ गया था। एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर, ये लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगेन दे दूंगी, इस पे जाके डायरेक्टली जो है अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन जो है ट्यूसडे 27 अगस्त से 5 बजे से ओपन हो चुके हैं और ये बंद भी हो जाएंगे सितंबर 10 को 5 बजे, ठीक है? तो उससे पहले पहले अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन फीस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब इसमें कॉलेज का कैसे रहेगा, मैं एक फॉर्म फिल करके देखती हूँ आपको कॉलेज सिलेक्शन का इन्होंने क्या जो है दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है? द शेड्यूल ऑफ एलोकेशन विल बी अनाउंस लेटर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ITEP केयरफुली फॉर एलिजिबिलिटी कॉलेज डिपार्टमेंट इन विच इट इज ऑफर्ड, मतलब आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन ये लोग देंगे, ठीक है? तभी इन्होंने बोला है कि जो हमने बुलेटिन है उसमें प्रॉपर मेंशन किया है कि BA BEd सेकेंडरी कौन से जो हैं कॉलेजेस करा रही हैं और मिडिल स्टेज कौन से कॉलेजेस करा रहे हैं, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लें और उन्हीं कॉलेजेस में जो है अपना अप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि बाद में चेंज वगैरह ये लोग करते नहीं है क्योंकि सीट्स फुल हो जाती हैं, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी और स्टेट से हो और दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हो, हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, इन पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, मैं सिर्फ ITEP BEd की बात नहीं करूंगी, अदर कोर्सेज भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, आई जस्ट गारंटी दिस कि जब लास्ट में आप निकलोगे ना ये कोर्स करके एक अलग ही पहचानोगी, क्योंकि ITEP BEd ना अभी शुरू हुआ है, ठीक है? कुछ सालों से 2020 में इसके बारे में मतलब इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली, फिर धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज अब इसको करा रही है। तो देखिए जब भी कोई ऐसा नया कोर्स आता है ना, पहले तो उसमें कम स्टूडेंट जुड़ते हैं, बट लास्ट में जब उससे पहले वाला कोर्स खत्म हो जाता है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और आपने ऑलरेडी वो किया है तो आगे आपकी डिमांड मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो ऑब्वियसली 4 चांद आपकी डिग्री में अपने आप ही लग जाएंगे। तो बहुत सुनहरा मौका है। अगर मैं कहूँगी कहीं और भी, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आपने फॉर्म्स भरे हुए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिस मत करना। अगर आप दिल्ली में आके पढ़ सकते हो या दिल्ली NCR में ही रहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। यहाँ पे फॉर्म भरो, अगर एडमिशन हो जाता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी छोड़ देना, इसमें एडमिशन ले लेना, ठीक है? चलिए बाकी एक बार आप मतलब ये सभी ना जो भी अगर कोई क्वेरी हो बता देना, मैं सेपरेट वीडियो एक और प्रोवाइड करा दूंगी आपको। बाकी एज सच कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखता नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म्स वगैरह में, बहुत ट्रांसपेरेंसी और इजी प्रोसेस होता है। तो फटाफट जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप सभी बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।